Hello students, today we will see the Hofmann bromomide degradation. So what is Hofmann bromomide degradation? It is the reaction in which amide changes into primary amine. Primary amide changes into primary amine is called as Hofmann bromomide degradation. Now in this reaction we are having base like reagent like basic bromine, means bromine in presence of NaOH or bromine in presence of KOH. Sometime we can also use chlorine instead of bromine, that is chlorine in presence of NaOH or chlorine in presence of KOH. So that's all about Hofmann bromomide degradation. अभी इस रिएक्शन की हिंट कैसे याद रखनी है आपको? इस रिएक्शन में हमेशा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लॉस होता है प्राइमरी अमाइड से और उससे बनता है प्राइमरी अमाइन. तो इसके लिए आपको याद रखना है बेसिक ब्रोमीन इज अ रिएजेंट, मतलब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक एनएओएच और केओएच. इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन वी कैन यूज क्लोरीन आल्सो इन बेसिक मीडियम. तो अभी इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम कम हो रहा है, इसलिए इसके बोलेंगे डिग्रेडेशन. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन जिसमें कार्बन एटम कम दिख रहे हैं हमें. जितने अमाइड में कार्बन एटम होते हैं उससे एक कार्बन एटम कम हमें प्राइमरी अमीन में दिखता है. सो दैट्स ऑल अबाउट हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. अभी अगर हमारे पास इसके एग्जांपल है जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटामाइड, बराबर, और इथेनामाइड. इसकी रिएक्शन हमें बेसिक ब्रोमीन के साथ करनी है, दैट इज ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH और KOH. एज यूजुअल क्या होगा इस केस में? अगेन दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी removed and we'll get here CH3NH2 which is called as methanamine, or we can also write it as a methyl amine. अभी सबसे पहले ब्रोमीन और NaOH मिक्स होके कभी कभी बनाते हैं NaOBr, और इट कैन बी ऑल्सो फॉर्म ए NaBrO3, बराबर. तो ये दोनों भी अगर बेसिक ब्रोमीन के अलावा दिए है तो भी रिएक्शन क्या होगी? हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. नाउ दिस रिएक्शन इज बिलीव टू बी प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ असाइल नाइट्रीन. असाइल नाइट्रीन इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट विच इज प्रोड्यूस इन अ हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. सो व्हाट आर नाइट्रीन्स? नाइट्रीन्स आर द मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पेसी कंटेनिंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाइट्रीन क्या होते हैं? मोनोवेलेंट मतलब एक ही बॉन्ड होता है और उसके पास दो लोन पेयर होती है, तो उसे हम नाइट्रीन बोलते हैं. तो अभी इसका अगर एग्जांपल या मैकेनिज्म देखने हमें एग्जांपल के साथ, देन व्हाट कैन बी द मैकेनिज्म? सो नाउ लुक एट हियर. सबसे पहले हमारे पास है अमाइड, तो हमें पता है अमाइड का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है. तो हमारे पास बेस है NaOH, KOH से हमें क्या मिला है? OH-. Now this OH- will abstract this acidic hydrogen and it will form N-. इससे क्या बन रहा है? N-, that is C double bond O NH-. अभी हमारे पास रिएक्शन में ब्रोमीन है, that is Br2, बराबर. तो क्या होगा? ये N- किसी एक ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से एक ब्रोमीन डिपार्ट होगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा? RC double bond O NHBr. तो अभी इस अमाइड में ब्रोमीन अटैच है इसलिए इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड, इट इज कॉल्ड एज ब्रोमामाइड. तो अभी इसके पास और एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ब्रोमामाइड अगेन कंटेन वन एसिडिक हाइड्रोजन. तो क्या होगा? एक दूसरा बेस मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? इसका ये एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे शिफ्ट हो जाएगी? नाइट्रोजन पे, और यहां से ब्रोमीन चला जाएगा. तो नाइट्रोजन के पास पहले एक लोन पेयर थी, अब ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने से डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बन गई, एक पहले थी, तो इसे बोलते हैं नाइट्रीन, असाइल नाइट्रीन. क्या बोलेंगे इसे? असाइल नाइट्रीन बोलेंगे क्योंकि असाइल ग्रुप है. तो अभी ये अनस्टेबल होता है, नाइट्रीन्स आर वेरी अनस्टेबल, तो ये क्या होते हैं? रीअरेंज होंगे. तो सबसे पहले क्या होगा? ये आर ग्रुप जो है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाके ये जो लोन पेयर है ये कार्बन और नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएगी और इससे हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा. क्या दिख रहा है हमें इस केस में? अभी यहाँ पे क्या बचा है? कार्बन. कार्बन इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड ओ, इस साइड से डबल बॉन्ड एन आया,
इस लोन पेयर देने के बाद ये R ग्रुप इस साइड जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं आइसोसियानेट। व्हाट इज इट कॉल्ड? आइसोसियानेट। अभी ये जो आइसोसियानेट होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे पास वाटर है रिएक्शन में, तो ये जो वाटर की लोन पेयर है ये किस पे अटैक करेगी? कार्बन ऑफ द आइसोसियानेट, और इससे बनेगा एन माइनस। तो अभी वाटर पे यहाँ पे अटैक करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को ब्रेक करके उस पर लोन पेयर शिफ्ट करवा देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करके, और जो एच है वो नाइट्रोजन के पास आने के बाद हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड दिखेगा, इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बामिक एसिड। अभी कार्बामिक एसिड थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल है इसलिए क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या बना रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सीओ टू, और जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्या मिल रहा है हमें, आर एन एच। ये माइनस यहाँ पे आने के बाद ये एच प्लस के साथ क्या बनेगा, आर एन एच टू, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। याद रखना है एग्जाम में आपको आएगा, इंटरमीडिएट क्या होता है इसमें, नाइट्रिन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है आइसोसियानेट बराबर, और कार्बामिक एसिड भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और आपको हिंट के लिए मैंने बताया है कि कार्बोनिल ग्रुप को आपको रिमूव करना है, बाकी बचा हुआ पार्ट अगर जोड़ देंगे तो आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।